Ya Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 248. Ismaili mazhab bahut gehra hai, bahut gehra hai. Aur aaj logo ke paas na time hai na shauk hai. और कुछ 20-25 गिनान और भी हैं जो प्रिंट में नहीं आए, 650 गिनान और तकरीबन 70 के 71 हमारे दूसरे शास्त्र हैं. इतना शास्त्र है हमारा, इसको पढ़ने में 10 बरस चाहिए. मैंने 14 बरस लगाए इसको पढ़ने में, एक एक चीज पढ़ता रहा, बहुत सी चीजें समझ नहीं आई. फिर मैंने दूसरी दफा रिपीट किया तो 10 बरस लगे. दूसरी दफा बहुत सी चीजों की समझ आई, बहुत सी चीजें मुझे इसी तरह से सुबह जमात खाने से आ जाऊं और आधा सोया हूं आधा जागता हूं, इसके अंदर से बहुत सी चीजें मिलती. पढ़ना चाहिए बहुत. इसमें हाजरियों फरमा वंडरफुल ट्रेडिशन है, इसको संभाल के रखो. लेकिन हमने तो बस किसी पाठ की नाक मरोड़ दी, किसी का कान मरोड़ दिया. पाकिस्तानियों ने बहुत हेर फेर किया गिनानों के अंदर. मैं अपनी आवाजों में बोल चुका हूँ और ये चीज रिकॉर्ड में रह जाएगा. 50 बरस के बाद भी रिसर्च करने वालों को पता लगेगा कि गिनानों के अंदर पाकिस्तानियों ने हेर फेर किया है. बहुत से गिनान बिगाड़ दो, लफ्ज़ बदल डाले, मानी बदल डाले. ना जिनके हाथ में सत्ता थी करने की, उन्होंने किया ना, काउंसिल का काम नहीं. तो खुश नसीब है तभी. बिलाशक बिलाशक अच्छे काम किए और पीरों की दुआओं की वजह से हमको इस मजहब में आना मिला. मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि पीरों ने तुम लोगों को यह मजहब दिखाया है, तुम बहुत ही खुश नसीब हो. इसलिए फरमान करता हूँ कि हर इस्माइली 40 दाने पीर शाह की तस्बीह जमात के लिए निकाले और शुक्र करे कि तुमको इस सतपंथ के अंदर इस जमात में जन्म मिला. 40 दाने पिरशा के निकालो. वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम उस चक्कर में हैं, मगर एंड में हैं अभी. नहीं, इस्माइली के लिए नहीं है, मगर इस्माइली उसको कहते हैं दस बंदे दुआ पढ़े मौला को मानता हो. खाली ऐसे नाम का इस्माइली के जिसको हम इस्माइली कब्रस्तान में दफन करके आवे, उसको ये चांस नहीं मिलेगा. जो मोमन है उसके लिए फिर कोई फेरा नहीं. और ये फेरे के अंदर इमाम ने तो एक्सचेंज रेट ऐसा कर दिया है कि $1 दो तो $125,000 जितना उसका फायदा मिले. पाकिस्तान कितना डॉलर का, 30 रुपए है. हाँ, तो $1 दो तो 30 रुपए मिले ना, तो ऐसा एक दो तो 125,000 मिले. नहीं नहीं, नबी की एक हदीस है कि दा दुनिया 70 दर आखरत, 10 गुना तुमको इस दुनिया में मिलेगा और 70 टाइम्स तुमको आखरत में मिलेगा. लेकिन ये जो 125,000 है वो जुदी चीज है और रसूलुल्लाह की हदीस जुदी है. 125,000 गुना तो तुम्हें
उसका रूहानी फायदा मिलेगा मौत के बाद। जैसे ये मोबाइल की मदद है, मतलब उसका हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर तो किसी को होना हो तो इसकी सिग्निफिकेंस मालूम नहीं हो तो किसका पता चलेगा। तुम जब इधर आए थे पहली दफा तो तुमको पता था कि इधर अमेरिका में किस तरह रहते हैं किस तरह करते हैं? तो अंदर आए तभी पता लगेगा। मगर आना मुश्किल है, पहले आदमी को ख्याल होता है। मैं बहुतों को डिस्करेज करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, लेके फिर न कर सके छूट जावे वापस आ जावे, उससे बेहतर है ना जावे। मैं तो ख्याल भी ऐसा ही है। ये बातें राज की हैं, नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें नहीं बोली जा सकती। आगे के जमाने में लोग सिरबंदी होते थे, बदन के कपड़े रख के बाकी जो कुछ दिया सब मौला को दे देते थे, वो भी थे। बेटा वो बात यहाँ नहीं हो सकती, वो जमात खाने नहीं होती है। मैं तो ख्याल की मेरी बहुत सी आवाज़ों के अंदर बाल जिक्र है और बाज़ जगह मैं उनको बैठ के डिमॉन्स्ट्रेशन भी देता हूँ, मगर यहाँ नहीं। इतनी अच्छी चाय बनाई है कि एक गैलन पी जाने का दिल होता है, मगर नहीं नहीं नहीं, एक गैलन पी जावे आदमी, ऐसी चाय है बहुत अच्छी बात है। पानी नहीं है, दूध ही दूध है। सच है, अभी मैं बात यही कर रहा तुम्हारे आने से पहले कि दरबार जो है ना वो एक्स्ट्रा बख्शीशों के लिए मौला ने दरबार भरा के तुमको एक्स्ट्रा बख्शीशें दूंगी। मौला ने खुद ने यही बात बताई, स्पेशल बख्शीश के लिए दरबार बनाया जाता है। सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, रूहानी राज चलाने के लिए दसों की जरूरत है। और अगर सचमुच ये चाहते हो कि रूहानी बख्शीशें मिलें, इबादत में आगे बढ़ो, दसों बराबर दो। और दसवन देते देते किसी वक्त मौला टेस्ट करेगा, तकलीफ देगा कि कितने पानी में खड़े रहते हो। जब ऐसी तकलीफ आ जाए तो मौला को बोलो, उसको बोलो मेरा तो टेस्ट मत ले, क्योंकि खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में दुआ मांगो कि मौला तुम्हारी टेस्ट ना ले, तुम्हारे ऊपर परख ना डाले, क्योंकि दसवन की एक परख में तुम पूरे नहीं उतरे। मगर दसवन बराबर दो, बहुत फायदे होंगे, सुखी रहोगे, नवी नवाजिशें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, कारोबार में बरकत में रहेगी, बहुत आज नहीं बनोगे, लाजम नहीं कि मालदार बन जाओ, मगर सुखी रहोगे। वो लिफाफा किधर है? गाड़ी में है।
तो देना सबको देना, उसमें दस रन का फरमान है। माफ करा, चांद रात का छांटा है और दस रन ही का छांटा है। अपने हिसाब से भूल चूक समझ के पैसे दे दो, फिर जो अजानी मिस्टेक है हमको पता नहीं है, मौला माफ करते। अली शमा बाप का एक और फरमान है कि जो आदमी जमात खाने में से नांदी खरीद कर ले जाता है या जो आदमी घर से नांदी ले जाता है, उसकी जो कीमत है वो दस वक्त की भूल चूक में मैं लेता हूँ। भूल चुके यानी कि दस वंद हमको देनी चाहिए $2.20 और हमने 20 सेंट का हिसाब नहीं किया या भूल गए, तो नांदी जो हम मेहमानी ले जाते हैं वो जिस कीमत पे बिके उतनी कीमत इसके अंदर जमे होती है। हाँ, दुआ ले जाते हैं। हाँ, ये हज़रत इमाम की मेहमानी है, उसका सवाब रूहानी को मिलता है, जरूर मिलता है। कुछ हम लोग अचानक से चले कुछ क्वेश्चन लिखे थे, इसमें कुछ हो सकता है नॉनसेंस क्वेश्चन भी हो, तो एक हम लोग का ये था कुछ आपके उसमें कैसेट में था कि सुल्तान अहमद शाह को बहुत से लोग जमात लेटर लिखती थी और सुल्तान अहमद शाह जवाब लिखते थे, तो सही मामले में हमको अपने कुछ लिखना हो किसी को लिख सकता है, लिखते हैं, और जवाब देना होता है तो देता है। लिखना हो तो काउंसिल को जो कुछ लिखना है वो काउंसिल को लिख के दे दो, सील करके दे दो, ये मेरा अरीजा है। लेकिन जब मौला के पास कोई अरीजा भेजो तो $7.50 की मेहमानी रखो मौला को ये उस तक पहुंचने के लिए। यानी खुदा ताला ने कुरान में हमको कहा कि जब भी तुम रसूल के पास जाओ कोई सलाह मशवरे के लिए तो कुछ नजराना रखो। तो इमाम की मेहमानी करके उसको अरीजा लिखो और काउंसिल को दे दो, काउंसिल हाजिर इमाम को भेज देगी। हाजिर इमाम बहुत सबको जवाब देते हैं, मगर ये कोई लाजिम नहीं है कि हाजिर इमाम जवाब दे, उसकी मर्जी है देवे ना दे। आपने कहा था नाजिम हमको लिखूंगा, उसमें लिखा था बॉडी का पार्ट डोनेट करने का, आपने लिखा था कि मैं, हाँ मौला को लिखा हुआ है मगर उसने जवाब नहीं दिया अभी तक। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो खुदा की दी हुई है, ये मालिक इसका खुदा है, तो हम किस तरह से उसकी चीज में से किसी को कोई चीज ऐसा दे दें। तो कोई काउंटर क्वेश्चन ये है कि फिर हम अपना ब्लड क्यों देते हैं? ब्लड तो दे सकते हैं इसलिए कि ब्लड रीजेनरेट होता है, ब्लड जो है वो नया बनता है, रोज नया बनता है, इसके लिए उसका कहना और चीज़ है ब्लड का। लेकिन जो परमानेंट पार्ट्स हैं वो तो काट के देने की बात है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मुझे कुरान हदीस में से ऐसा कोई जवाब ना मिला कि हमको ये चीज़ की इजाज़त है, और यह चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं बनी अभी तक। और जिसको कभी कुछ भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई उसको 20 बरस की नई ज़िंदगी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है, 6-12 महीने रहते हैं मर जाते हैं या कोई और बीमारी पैदा होती है। तुम्हारा सवाल क्या है? वो कहानी में तो असल बात क्या है, क्योंकि बात है कहानी डिफरेंट तरीके से सुनते आए। खुदा ने हजरत आदम को पैदा किया, सच बात है, और फरिश्तों को हुक्म किया कि आदम को सजदा करो, और उसको उसकी पसली में से खुदा ने हवा बनाई। ये दोनों को खुदा ने जन्नत में रखा,
اور جب انہوں نے کچھ نافرمانی کی تو خدا نے ان کو جنت سے نکلنے کا حکم کیا. تو نبی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ لنکا میں اترے اور بی بی حوا جدہ میں اتری. ابھی یہ اتری بدنی طور پہ اتری, بدن تھا ان کا, تو اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری جگہ رہتی تھی نا, اور وہ وینس تھے جو ہماری زمین کا ہمسایہ سٹار ہے, سورج, مرکوری, وینس, ارتھ. اس زمین پر بستی ہونے سے پہلے وینس میں بستی تھی, لوگ وہاں رہتے تھے. اور ادھر جب ہی بربادی شروع ہوئی تو خدا تعالیٰ نے حوا اور آدم کو اس زمین کے اوپر کیپسول میں پھینک دیا. یہ جب اسپیس میں جاتے ہیں تو ان کا کیپسول نیچے اترتا ہے پانی میں. تو جدہ میں حوا اتری, آدم علیہ السلام یہاں اترے. 80 برس کے بعد پھر یہ ملے اور دنیا میں نسل چالو ہوئی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو وینس تھا نا وہاں آبادی تھی, تقریباً 50 لاکھ برس تک وہاں آبادی رہی. ابھی وینس برباد ہو گیا. 2-2.5 لاکھ برس اس کے ہیں ہماری دنیا کے باقی. اور اس کے پہلے خدا تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ آدمی چاند میں گیا ہے, ابھی مارس میں جا رہا ہے, تب تلک اور 2-4 ہزار برس نکل جائیں گے تو انسان ایسا ہو جائے گا کہ مارس میں اپنی کالونیز بنائے گا. پھر جب یہاں بربادی ہوگی تو ادھر سے پہلے وہاں چلے جائیں گے لوگ. ہوا اور آدم کا قصہ حقیقت میں یہ ہے کہ وینس میں سے لوگ ادھر اتر کے آئے. نافرمانی تو یہی تھی کہ انہوں نے, خدا نے ایک چیز کے لیے ان کو کہا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرنا, مگر جب انہوں نے پھر کیا تو خدا ناراض ہو گیا. نہیں, ہم کو ایسے ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت سی چیزیں سچ نہیں بھی ہیں. مولا کو کوئی کمی نہیں ہے. وہ کسی گلاس کو نظر کرے تو وہ آدمی بن جائے. ایسی تو بہت سی دنیا ہے, بہت سی دنیا ہے. 18 ہزار عالم ہر اس میں امام ہے. بلا شک, کیونکہ کوئی خدا تعالیٰ کی جتنی کائنات ہے اس کے نور کے بغیر رہ نہیں سکتے. جہاں بھی روحانیاں ہیں, آبادی ہے, جیو ہیں, امام کا ہونا لازم ہے. ادھر سیٹرڈے سنڈے دونوں دن چھٹی ہوتی ہے. سیٹرڈے کو جمع کرنے میں حاضری کم ہوتی ہے نا. چند رات بدھوار کو منائی گئی تو کل بدھوار کی, یعنی چند رات کی کل مجلس ہوگی شام کو 5 بجے. اچھا, چاند رات کی مجلس ہوتی ہے بیت الخیال کی, کل ہوگی. مجلس
मैंने कहा हुआ जमातों के अंदर कि ये बराबर नहीं है। एक इंसान गुजर गया, उसको जितनी इबादत करनी थी उसके सवाब गुना सब साथ चले गए। अब रूहानी उधर जहाँ है तो हम उसके गुनाहों की किस तरह से छांटा ले सकते हैं? उसका ये मतलब है कि हम ये मानते हैं कि वो उधर गुनाह कर रहा है इसलिए छांटा लेते हैं हम, तो ये बराबर नहीं। हाँ, लेकिन ये इबादत का छाटा है ना, तो अभी वो इबादत करता है कि नहीं करता हमको क्या पता। नहीं, मना मत करो, ये तो सिखाने की बात है। मिशनरी लोग वाइज में इनको सिखाएं, यह तरीका बहुत बंद करे, लेकिन मुखी चावड़ यह बंद नहीं कर सकते। उनको कहो नियत मुराद खाना वदन बस, मगर ये बात बराबर नहीं। ना बेतुल ख्याल में सितारे अपनी माफ नहीं होते। और वैसे में बेतुल ख्याल में तो सितारे की बात ही नहीं है, सितारा तो नीचे है समी साइड क्या। ये हो सकता है, इसकी दुआ करा सकते हैं, उसके नाम की दसों भी दे सकते हैं, मेहमान ही दे सकते हैं, लेकिन बीमारी के सिवा के सख्त बीमार है उसका छांटा लिया जा सकता है अगर वो सख्त बीमार है या मजबूर है, लेकिन बैतुल ख्याल के अंदर रूहानी का छांटा नहीं है। रूहानी की मजलिस बना सकते, छांटा लेके हम ये यकीन करते हैं कि वहां रूहानी ने गुनाह किए हैं, वो उसकी बख्शा में नहीं, हम करा लें, मुनासिब नहीं। रख सकते हैं, वो मना नहीं हो सकता। मगर बैतुल ख्याल में पीर की मानी नहीं, अभी मुखी कांवड़िया के ऊपर है, मुखी कांवड़िया के ऊपर है। बात ऐसी है कि जब तक हाजिर इमाम कोई रस्म को बंद न करे वो रस्म जारी है, फिर मुखी कांवड़िया उसमें हेर फेर करे तो मुखी कांवड़िया जाने बोला जाने। इंडिया में है, कनाडा में है, अफ्रीका में है, फ्रूट ले आओ। मजे बिगड़ता जाता है, जो जिसकी मर्जी में आया कर दिया। हाँ, इम्तिहान तो आते हैं लेकिन उसको दुख नहीं मिलता, तकलीफें आती हैं तो मोमेंट के दिल का जो शांति है या सुकून है वो नहीं बिगड़ता, सिवा के उसने गुनाह किए हुए। और अगर सजा के तौर पे कोई दुख होता है तो इंसान को लगता है, दर्द लगता है, मोमेंट को नहीं लगता। औलाद को किसी की भूल का इवज नहीं बनाया जाता,
माँ बाप के गुनाह या उनकी गलतियों का इवज बच्चों को भोगना नहीं पड़ेगा, और अगर उन बच्चों को कोई तकलीफ हो रही है तो उन बच्चों के खुद के अमल ऐसे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुखी कमरिया या अमलदार या और हाजिर इमाम की खिदमत वाले हैं, और अगर उन्होंने अच्छी तरह कुछ खिदमत नहीं की तो उनको इसकी सजा उठानी पड़ती है बिला शक। लेकिन एक आदमी गुनाह करे दूसरे आदमी को सजा नहीं मिलेगी, जिसने गुनाह किया है उसी को सजा मिलेगी। गुजराती मुक्त मैंने सुना था किसी प्रश्न पड़ी थी मास्टर बराबर, और उसने पढ़ी थी और भूल गया था, लेकिन और उसने ये कहा बुक के अंदर कि अपने दुआ मांगते हैं बहुत, दुआ कबूल क्यों नहीं होती, उसकी वजह की वजह बुक के अंदर लिखी थी कबूल नहीं होती तो उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं होती, क्या वजह होती, मतलब उसने मैं बैठा था एक दफा, 7 बरस का मेरा लड़का था, मेरे पास आके कहते हैं पापा मैं एक बात कहनी चाहता हूँ। बोला बोलो, तो मेरी शादी करा दो। अभी मैं उसका बाप हूँ, मुझे कहता कि मुझे खिलौना चाहिए तो ले दो ना, मुझे कहे मुझे बूट चाहिए तो मैं बोला चक्कर लेके चलेंगे बूट लेंगे, लेकिन उसने वो चीज़ मांगी क्या जिसके वो लायक नहीं है। तो इंसान बहुत दफ़ा ऐसी दुआएं मांगता है कि खुदा जानता है कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी नहीं है, नहीं देता। छोटा बच्चा है 8-10 महीने का, घिसरते 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 माँ की अंगीठी के पास चला गया और हाथ डालना चाहता है, माँ जानती है कि इसका हाथ जल जाएगा, तो माँ उसको कभी भी पकड़ने नहीं देगी, उसको ले जाएगी, रोता है चिल्लाता है पूछता है, लेकिन माँ उसके ऊपर रहम करती है, जुल्म नहीं करती। वो ये समझता है कि माँ मेरे ऊपर जुल्म कर रही है, लेकिन माँ जानती है कि उसके लिए वो रहम है। हम खुदा के पास से कोई चीज़ मांगते हैं, खुदा नहीं देता, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। इसके लिए खुदा को कहो या मौला भलाई दे, अच्छे ख्याल दे, उसमें गिना भी है ना कि सोई वचन मारा मुख माफी काटूं, जो साहिब तुझे भावे, तुझ भावे सो काम करावे, मुझसे दोष ना आवे। मौला को कहा राजी रहे बस, या मौला तुझे सब कुछ मालूम है, मेरे लिए मेरी आल औलाद के लिए जो अच्छा है वो अता कर। दुआ मांगो, जरूर मांगो, मांगने से खुदा खुश होता है। एक कैसेट हो गई ना, 5 बजते बज गए, चलो एक तरह बाहर चक्कर लगाए, या अभी मुझको छोड़ दो उधर हॉस्पिटल होटल में और आधे घंटे के बाद फिर आके, या जब भी ठीक लगे तो जरा एक चक्कर लगा के फिर जो मत करने जाए। उसमें हो रही है होटल लग रखा हो, ट्राई करे तो इतना सेंसिटिव है ये कि इधर तक खींच ले रही आवाज को। आ जाओ बैठ जाओ, क्यों इतना मैदान बनाया, आएंगे
فی الحال تو ایسا کہ سب انتظار کرتے ہیں لڑائی ختم ہو جائے, سول وار بند ہو جائے. لیکن حضرت امام نے ادھر آغا خان فاؤنڈیشن کی آفس بنا دی ہے اور فوڈ سپلائی کرتے ہیں, فیول دیتے ہیں. وہاں کچھ خاص اگتا نہیں, لیکن ابھی ان لوگوں کی جو رشین اور تاجک زبان ہے وہ ورلڈ فارم اور پلیٹ فارم کے اوپر کوئی قیمت نہیں, اس کی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ انگلش سیکھیں. ان کی تاجک لینگویج ہے جو مکسچر ہے رشین لینگویج کی, لیکن ان کی فیملی تھوڑے سے آدمی ہیں. ساری بستی کے اندر 20-25 آدمی بھی نہیں جو انگلش جانتے ہیں. تو مولا نے کچھ آدمی ادھر بھیجے تھے, ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور وہ وینکوور 6 مہینے رہا انگلش سیکھنے کے لیے آیا. 4-5 ادھر سے جوان ہے, 2 لڑکیاں تھیں 3 لڑکے تھے. وہ ٹورنٹو میں ٹھہرے 5 مہینے. ابھی اس قسم کا انتظام شاید ہو رہے کہ ہمارے کچھ لڑکے لڑکیاں 3-4 مہینے کے لیے وہاں جائیں اور ان کو انگلش سکھاویں. تھوڑی سی تکلیفیں ہیں, تھوڑی فوڈ کی تکلیف ہے, ایکوموڈیشن کی تکلیف ہے, ٹرانسپورٹ کی تکلیف ہے. اس وجہ سے شاید جلدی سے یہ پروگرام نہ فٹ ہو سکے, لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ انگلش سکھائی جائے. وہاں یونیورسٹی ہے اپنی, تقریباً 1100 اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں انگلش سکھانے کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولا گیا ہے. انگلش سیکھ لے ہوئے تو باہر کے ملک میں انٹرنیشنلی آ جا سکیں, کمیونیکیٹ کر سکیں. ابھی کمیونیکیشن نہیں ہے. ویسے ان کی فیملی لینگویج پرشین ہے. جماعت بہت اچھی ہے. نہیں نہیں, جماعت نہیں ملتی, سب فیملی اپنی اپنی جگہوں کے اوپر. اور کچھ نہیں ہے, صرف بس 3 وقت پرشا کی تسبیحیں نکالتے ہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. لیکن وہ اٹھتے ہیں, بول نہیں ہیں, عبادت کرتے ہیں. دیکھا ہی نہیں کبھی, دیکھا نہیں. لیکن پھر بھی خیال کرو, ایسی ہوسٹائل انوائرمنٹ میں بھی ایمان سلامت رکھ رہے ہیں. کوئی ایک کتاب نہیں, کوئی ایک کاغذ بھی نہیں لکھا ہوا, کوئی ہسٹری نہیں, کچھ نہیں. صرف دعا پڑھتے ہیں اور باپ سے بیٹے کو کچھ نصیحت ملتی ہے, وہ ملتی ہے. اور کسی کے گھر میں صاحب کی فوٹو نہیں ہے. ابھی ابھی 2-4 جگہ فوٹو گئے ہیں صاحب کے. لیکن کیسے مومن آدمی کے ایسے انوائرمنٹ میں ایمان سلامت رکھا. بعض ایسے علاقے ہیں کہ 1000 سال سے انہوں نے کبھی امام کا دیدار نہیں کیا, نام سنا ہے بس. حضرت امام 3-4 سال پہلے تاشکند گئے تھے تو بارڈر کے اوپر کچھ اسماعیلی تاجکستان کے 8 جنے تھے, ادھر دیدار کرنے کے لیے گئے. اس میں ایک عنایت علی کر کے لڑکا ہے, تو ادھر کی باتیں سنا رہے اور رو رہے. سب کا میں نے دیدار کیا, اتنا خوش ہوئے کہ دل نہیں بھرتا اس سے. ماں باپ کو 2-3 سال اور بھی نکل جائیں گے, جانا چاہے تو جا سکے. فیول کا بندوبست اگر ہو سکے تو شاید صاحب ہیلی کاپٹر میں جائے, رات کو چلے آوے.
दुशंबे कैपिटल है, वहाँ अच्छी होटलें भी हैं और इससे ज़्यादा अच्छी होटलें इधर हैं ताशकंद में, आधे घंटे का रास्ता है प्लेन से, माँ बाप जाएगा सही, नॉट नाउ। पहली दफ़ा जब प्रिंस अली खान सलमिया गए 1932 में, 21-22 बरस की उम्र थी प्रिंस साहब की। सलमिया ने 1000 साल से इमाम इस्माइल के बाद उन्होंने कभी किसी इमाम का दीदार नहीं किया, पागल हो गए थे। पागल हो गए ऐसे कि प्रिंस साहब को घेर लिया, जब्बा पहना हुआ था तो जब्बा पहले कपड़े को चूमते रहे, अपने साहब चलते रहे, हुजूम बहुत था तो कपड़ा फट गया, अपने साहब ने अपना जब्बा उतार के फेंक दिया, उसके टुकड़े बना डाले छोटे छोटे, उसको चूमे आंख से लगावे और साथ रखते थे। आदमी इमोशनल हो जाता है फिर ऐसा कर लेता है। इंशाल्लाह उनका आना जाना इस तरह होगा। किधर किधर साहब के मुरीद बैठे हैं, कहीं छुपे हुए हैं कहीं जाहिर हैं, इंशाल्लाह चाइनीज इस्माइलियों को भी हम मिलेंगे। तो जो इमाम ने काफी है, बहुत कुछ कहा, अफगानिस्तान के तो मतलब आगे भी आते जाते पाकिस्तान में, इंडिया इस वक्त पे तकरीबन, हाँ कैनेडा साहब ने अभी इंतजाम किया कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान में जो अफगानी इस्माइली रह गए हैं रिफ्यूजी स्टेटस में कैनेडा में आते हैं, 1500 है। कैनेडा बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट में हाजिर इमाम का बहुत चलता है। हमारी खातिर उन्होंने लॉ चेंज कर दिया, 5 बरस सिटीजन के 3 बरस बना दिए, और शुक्र है इस्माइलियों की इज्जत बढ़ी है। और भी अच्छा होगा ना, और बहुत अच्छा होगा, कनाडा का फ्यूचर तो बहुत अच्छा। वो भी हम लोग की वजह, मौला बाबा की वजह से, इसी की वजह से। ट्रूडो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा दोस्त था, माँ बाप को जो चाहिए था वो करा लिया। ना मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, कह नहीं सकता। हवा बहुत है मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक सिटी में इस्माइली हैं। इस वक्त सारे 10 प्रोविंसेस में क्यूबेक सबसे बड़ा प्रोविंस है और एक मुल्क जैसा है, लेकिन इन लोगों को ऐसा ख्याल है कि हम जो फ्री हो जाएं तो हम बहुत मज़े में रहेंगे, मगर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी वजह यह है नॉर्थ में वो रेड इंडियंस है ना, इन्यूट्स, वो लोग रहते हैं। उन्होंने अभी से कह दिया अगर क्यूबेक फ्री हुआ, छूटा हुआ तो हम अलग हो जाएंगे, तो अगर वो अलग हो जाएंगे तो वो 60% उनकी एरिया है, तो क्यूबेक तो छोटा रह जाएगा और इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकेगा। और इन्होंने कहा कि हम उनको छूटा नहीं होने देंगे, तो वो लोग लड़ाई करेंगे। कनाडा में हज़रत इमाम ने अच्छी काफ़ी जगह खरीदी है, बोला कि मीठी नज़र है इसे, और हमको कहा है कि डोंट लुक
योर नेबर्स ग्रास इज ग्रीनर देन यू, वो नेबर आप लोग. शुक्र है इधर की 40,000 से ज्यादा जमात है अभी स्टेट्स में. 56, इसमें 25,000 तो खाली ओंटेरियो में है. हम लोग 11,000 है बीसी में. कैलगरी ना ना बीसी में 11,000, कैलगरी में 5,000, एडमंटन एरिया के अंदर लगभग 4,000, 2,000 के करीब क्यूबिक में है. इधर की आबादी जरा रैपिडली हो रही है, इधर इकोनॉमिक कंडीशन भी जरा थोड़ी अच्छी है, लेकिन लाइफ वहाँ ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उधर है, मकानात अच्छे हैं, खाना पीना अच्छा है, हेल्थ सर्विस फ्री है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आसानी से मिल जाती है. किसका कोई खास नहीं, कुछ खास नहीं, किसी किसी जगह है, किसी किसी जगह, मगर वो उसकी हम परवाह नहीं करते. थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत हर जगह होता है, पंजाब में चले जाते हैं, पंजाब या पाकिस्तान नहीं, उधर ये खास ऐसी कोई तकलीफ नहीं. और लॉ है, 2 साल हुए ये पास हुआ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कलर और क्रीड, ह्यूमन राइट्स के तहत आता है. वैसे 25 बरस में इस्माइलियों ने काफी तरक्की की, अच्छे रहे. जमात कमियों के लिए साहब ने हमको थोड़ा ताना भी दिया ना, हमारा एक चौथा जमात खाने का प्रोजेक्ट साहब के पास ले गए, रिचमंड में हमको जमात करना चाहिए. सर फरमाया बीसी हैज ऑलरेडी 3 एलिगेंट जमात खाना, नाउ विथ द टर्न ऑफ कैलगरी एंड टोरंटो, अभी टोरंटो और कैलगरी में बन जाएगा, फिर हम देखेंगे चौथा जमात खाना, लेकिन 3 ब्यूटीफुल जमात खाना. है लेकिन क्या के ऑल पर्पस जमात खाना जो है बड़ा वो नहीं है. अभी उसका प्लान पास हो गया इंशाल्लाह थोड़े टाइम में, उसके पहले टोरंटो का जमात खाना बन जाएगा. यहाँ तो हज़रत इमाम ने जो दरखाना बनाया वैनकूवर में, वो साहब ने खुद अपनी नज़र के नीचे बनाया. महीने में 2-3 दफा अपने जमीन आते थे के अंडर कंस्ट्रक्शन, $19 मिलियन खर्च किए, और बाज टेपेस्ट्रीज हैं $50,000 की बाज टेपेस्ट्री. साहब ने खुद उसके अंदर हाथ रखा और उसकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी है. छत पे देखो इतना बड़ा है, बीम नहीं है, और हेक्सागन किसी जगह ऑक्टेगोनल साइड 8 साइड की ऊपर डोम्स हैं, तो एक दूसरे के साथ फंसे हुए. कुरान में खुदा लिखता है कि मैं तख्त पे बैठा हूँ, इस अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया है, 8 साइड है उसकी. रिलीजियस बैकग्राउंड डालने में आता है कि भाई हमारी हिस्ट्री क्या होती है,
हाँ लेकिन एक भूल हमारी हो गई उधर, वो जो आर्किटेक्ट है नॉर्थ जमत खाने का, उसने ये कैलीग्राफी की जो पैटर्न है ऊपर लगाए हैं, लेकिन उसने जमीन के ऊपर भी लगा दिया, फिर उसको डिजाइन को तोड़ा गया। तो मैंने उसको कहा ये पूछना तो था किसी के साथ, मौला जी फरमाया तुम्हें कोई भी काम करना हुए किसी की सलाह ले लो, मानो ना मानो और बात है, लेकिन एक दफा सलाह ले लो तो तुमको सोचने का टाइम मिलेगा। तो फिर ये भी फरमाया कि अगर कोई ना हो तो दीवार को पूछ लो, यहाँ दीवार से मतलब ये दीवार नहीं, मतलब यह कि खुद से पूछ लो, वापस उसको रिपीट करके सोचो उसको, तो पूछ लेना अच्छा है। नीचे कैलीग्राफी लगा दी, अल्लाह जमात और उमा, फिर उसका वो डिजाइन बदलाया गया। एक चीज पूछने की, हाजिर इमाम जब अभी आते हैं तो पहले तो ये होता था कि जमात खाने ये जो अपने डेकोरेशन पीछे जो किया जाता था तो उसमें उर्दू में यानी अपने जो कुरान की जो आयत अरबी है वो सब लिखी जाती थी, और अब के कुछ उसके तरफ में जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्शन सब जाते हुए चले जा रहे हैं। नहीं ऐसा लिखा जाता है, अभी भी कुरान की आयतें लिखी जाती हैं, खास तौर पे कैलीग्राफी के अंदर अली और अल्लाह और मोहम्मद ही आ जाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम होता है, कुरान की कोई आयत होती है लिखी जाती है। इधर तो सब 86 के बाद नहीं आए ना, सब इधर एलए में आए तो कैटरिंग किसी सिख को दी थी एलए वालों ने, और एक दिन गोश्त बिगड़ गया तो हाजिर इमाम ने रिमार्क भी किया इसके लिए, आएगा। बिरयानी बनाई थी बहादुर हीर जी फोटोग्राफर, तो हाजिर इमाम के फोटो लेने लगा तो सब कहते हैं बहादुर डोंट से चीज से बिरयानी समोसा, ताना मार रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर में हाजिर इमाम के ऊपर में जो अभी जिम्मेवारी को हम कहना ज्यादा सीधे लफ्ज में मैं कहता हूँ, तो दुनिया के अंदर में हर तरफ अपने मौला के मुरीद जो है फैलते जा रहे हैं, इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड जो सप्रेस होते हुए चले जा रहा है और इसके लिए मौला के जो ख्यालात हैं, तो मौला इतने बहुत बिजी होते हुए चले जा रहे हैं, जमात को इसके लिए क्या करना है? उसका जो हुक्म आवे उस पर अमल करो, और जमात में हाजिर इमाम अभी आस्ते आस्ते कमती आएंगे, गैप पड़ते जाएंगे। गैप तो हमारे यहाँ 86 और अभी 96 आ रहा है। ये तो कुछ नहीं है, तंजानिया में 22 बरस के बाद आया, अभी देखो ना इधर 15 साल हुए, लंदन में 78 में 79 में आए, 94 में आए। हाँ वो तो ऐसे दीदार हुए, ऐसे दीदार इसी जगह मुझको याद नहीं आया। कैसे
हाँ केनिया तो खास वजह है सर, जाते पाकिस्तान और केनिया कोई बहाना बना के हर साल जाते हैं। रोज उसको कहते हैं उन्नीस सौ सोलह में लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर वन, मौला ने एक तारीखा भेजा कराची जमात को, तो जमात खाने में अनाउंस करो कि तुम लोग मुझे बुला रहे हो, लड़ाई है सख्त, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। अभी कौन बुलाता है पता नहीं। तीन दिन के बाद एक दूसरा तार आया, मैं बहुत बिजी हूँ, जमात को कहो मैं नहीं आ सकता। दो चार दिन के बाद एक और तार आया कि उन भाइयों को कहो, लेकिन कौन सी भाइयां कोई निशान नहीं, नाम नहीं। टेल दीज लेडीज आई एम टू बिजी, कैन नॉट विजिट। चौथा तार आया, टेल दीज लेडीज आई एम कमिंग। 1914 में सब गए, दो साल हुए सब उधर, 13 में सब गए, तीन साल हुए, चार औरतें थीं। खरादर का जो पुराना जमात खाना अभी भी खड़ा है ना, साथ में मुसाफिर खाना है, इस जमात खाने में ऊपर टॉप पे भाइयों की बंगली जुदी है। चार औरतें, ये रात को 12 बजे ऊपर जावे, और जमात भाई को कह दिया था कि बत्तियां मत जलाना लेकिन दरवाजा खुला रखना, और कसम दी थी कि किसी को कहे नहीं। ये चार भाइयां ऊपर जावे और खड़े रह के दो घंटे इबादत करें कि तू अच्छा। बस इनकी इस इबादत का ये जोर था कि चार तारे भेजी, तीन में मना किया नहीं आ सकता, चौथी में कहा मैं आता हूँ, और सब आए। लॉर्ड किचनर उस वक्त मिनिस्टर ऑफ वॉर था लंदन में, और हजरत इमाम एस एच एम दिल्ली, ये वॉरशिप थी, इसके अंदर किचनर के साथ सब वॉरशिप में वो इंडिया जा रहे थे, तो सब कराची आ रहे थे। रास्ते में माल्टा आया तो हजरत इमाम किचनर को कहते हैं कि इधर मेरे को थोड़ा काम है, तो एक दिन के लिए तू भी इधर उतर जा, हम दूसरे दिन चले जाएंगे। योर हाइनेस वॉर है, इसके अंदर एक मिनट में मैं डिले नहीं कर सकता। साहब ने उसको बहुत कहा, वो नहीं माना। अपनी लड़की 16-17 साल की लड़की थी, उसको कहा कि ये आपके साथ आएगी, इसको आप ले जाओ। साहब नीचे उतरे, फिर उसको कहा कि तुम एक दिन के लिए आ जा, नहीं आया। माल्टा से ये स्टीमर उठी, 4-5 घंटे के अंदर इसको टॉर्पेडो लगा, लॉर्ड किचनर मारा गया इसमें। फिर दूसरी स्टीमर में साहब कराची आए, और कराची आके दीदार दिया, तभी जमात को पता लगा कि ये चार औरतों ने साहब को बुलाया है। यहाँ तो 6 जनिया है, 7। लॉर्ड किचनर की ये लड़की 16-17 साल की, सब जाने की खबर हुई तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बोरा मुल्ला के सामने इंटरनल पार्टी कुछ जुदी हो रही थी, तो सब जाने की खबर मिली तो ये बोरा लोग अच्छे कपड़े पहन के, हार वगैरह लेके फूलों के, तो ये भी आए उधर पियर पे। ठंडी बहुत थी,
साहब जब भी नीचे उतरे, ये किचनर की लड़की भी साथ थी, तो ठंडी लगती थी, तो एक वॉलंटियर को साहब ने कहा ऊपर जाओ और इसका ओवरकोट लेके आओ। तो वो ओवरकोट लेके आया तो हाजिर इमाम ने, सुल्तान हुसैन ने ओवरकोट खोला और लड़की को पहनाया। ये बोरे चले गए वापस कि मिले गए ऐसा ही। ऐसा ही वाक्य 1925 के अंदर जंजीबार में हुआ। साहब जब आए तो साहब ने जमात को कहा कि इस औरत ने मुझको यहाँ बुलाया है, वलियानी की औरत थी, बड़ी आबिदा थी। ये इनविटेशन दिया नहीं, किताब की जो ऊपर जिल्द होती है ना, वो पढ़ने की चीज नहीं होती है, पढ़ने का तो अंदर होता है। जमात असल में जमात में कोई एक ऐसा होता है कि जो इमाम को पुकारता रहता है, आता है उसकी। मैं लोगों को कहता हूं कि मौला को दुनिया भाने तंग मत करो, उसको मत कहो कि इधर आ, इसलिए कि इधर आने से दुनिया भाने तकलीफ होती है, दुनिया भाने दूसरे काम अटकते हैं। देखो हमारे भाई है जिन्होंने हजार साल से दीदार नहीं किया और हमको 2-5 बरस के बाद दीदार तो हो जाता है। जी अभी मौला बहुत बिजी है, उसका उसका घर बिगड़ रहा है। कोई नई चीज नहीं, हमको इमाम के नूर के साथ काम है, उसकी दुनियावी जिंदगी के साथ हमारा कोई मकसद नहीं। लेकिन माफ कीजिएगा, दुनिया बाने इमाम इंसान के स्वरूप में है, हाँ, और उनकी है। भी दुनियादारी है, हाँ। उसको मद्देनजर रखते हुए भी मौला को एक प्रेशर और वो होता तो होगा। हाँ क्यों नहीं हो गया, तो दुनियावी तौर पर उसको तकलीफ दुख है, बीमारी भी है, पेन भी होता है, होता है। हिस्ट्री में जैसे हम देखते हुए आए कि पैगंबरों के ऊपर में और उनके ऊपर में भी जो किसी पैगंबर ने किसी इमाम ने राहत से जिंदगी नहीं गुजारी। एक क्वेश्चन था कि हम मौला के लिए क्या दुआ करें, हम तो हर वक्त मांगते हैं। हम मौला के लिए कुछ दुआ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज है और वो है सलवात। यही मेरे पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि जो सलवात है वो हाजिर इमाम की जो बॉडी है वो जमात है। हम ये चाहते हैं कि उसकी बॉडी तंदुरुस्त रहे ताकि हमें गाइडेंस उसके जरिए हमको मिलना जुड़ी। तो वी शुड आस्क फॉर दैट, दुरूद पढ़ो बेस्ट। आज की दुनिया में जैसे हम जी रहे हैं और जैसे आपसे मैंने जमाखाने में बात की थी कि चारों तरफ में अंगार है और हम बीच में हैं, चलते फिरते इंसान की आंख सोच नापाक हो जाती है, इसके लिए तो आर्सेनल में बहुत सी बंदूकें हैं। सबसे बड़ी बंदूक तो ये दुरूद की है। इस सूत्र में मुझे फरमाया सलवात बहुत पढ़ो, दिन ब दिन तुम्हारा जोर बढ़ेगा, तुम्हारी कुवत बढ़ेगी। और जब हम किसी को कहें यारी मदद या सलाम अलैक, तो वो सामने ग्रीटिंग का जवाब देता है। तो अगर हमने ये दुआ मांगी कि मोहम्मद और उसकी आल के ऊपर रहमत होवे, तो फिर मोहम्मद और उसकी आल भी तो हमारे लिए दुआ करते होंगे ना। तो दुरूद है वो सबसे बेहतर चीज़ है, उसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन मैं याली की तस्वीर करो या अल्लाह कहो,
ایک دفعہ سلطان حضرت امام نے فرمایا کہ اماموں کے اتنے نام ہیں, کسی بھی امام کا نام رٹن کرتے رہو. ابھی جیسے لندن میں حضرت امام نے کہا کہ آپ جو تسبیح نکالے تو یا اللہ پہلے یا محمد بولے, قول یا محمد, قول یا علی, قول یا اللہ. تسبیح جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم, جیسے کہ پہلے یا علی یا محمد آیا, پہلے ہم لوگ یا علی پھر شاہ پھر شاہ پھر شاہ یا علی کرتے تھے, پھر اس میں محمد کا ہمیں جوائنٹ ملا تسبیح کے اندر میں. اب جو ہے وہ ہم کو وہ محمد علی اور اللہ کے طرف کا پیغام تسبیح میں مل رہا. پہلے بھی ایک ہی تھا, سمجھتے تھوڑے تھے. پھر شاہ کے اندر بھی اللہ رسول ہی ہے نا, یا علی نبی کہہ دو. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ خدا کے بہت سے نام ہیں, اسماء الحسنی ہیں, کسی بھی نام سے اس کو پکارو, رحمان کہو, اللہ کہو, رحیم کہو, کچھ بھی کہو. نہیں مطلب میں اپنی ذرا سوچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مجھے پتا نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسماعیلی بنایا گیا تو وہ ہماری روڑی سے بنایا گیا اور ہمیں آگے لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں مولا امام, اور اس کے اندر میں جیسے ابھی کے فرمانوں کے مطابق حاجی امام چاہتے ہیں بریزنگ کریں, سب کے ساتھ ملنا جلنا کریں, اور مسلم امہ کے ساتھ میں بھی ہمارا جو ہے جڑاؤ ہوتا ہوا چلے جائے, تو اس کے اندر میں کیا یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وہ اس طرف میں لے کے جا رہی ہیں یا ہو سکتا ہے ہم باتوں باتوں میں اللہ اللہ کہتے رہیں تو مسلمانوں کو ذرا اچھا لگتا ہے. محمد تو نبی ہے ہی, اور شیعہ ہونے کی ناطے ہم علی کے بھی آ سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سنی ہو کہ شیعہ ہو, پہلوان جب یہ کودتے ہیں اکھاڑے میں تو یا علی مدد کہہ کے اکھڑتے ہیں. ہاں علی کا نام, نبی پاک کی ساری زندگی اگر لے لو تو نبوت کے 23 برس, امت کو ہمیشہ اللہ کی وحدانیت سکھاتے رہے, اس کی بڑائی اور عظمت بزرگی بتاتے رہے, اور اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے, آل مائٹی ہے. لیکن جبھی بھی نبی پہ کوئی تکلیف آئی تو علی کو پکارتے رہے, اس وقت اللہ یاد نہ آیا. احد کی لڑائی میں مسلمان ہار رہے تھے, کسی ایک وحشی نے نبی پہ حملہ کیا تو پکار کی یا علی مجھے بچاؤ, تو مولا علی بھاگ کے آئے اور اس کافر کو مارا, دوسری دفعہ بنا, تیسری دفعہ بنا, ہر وقت علی کو پکار کرتے رہے اور علی مدد کرتا رہا. امت کو کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو, خود علی کو یاد کرو. خیبر علی ہی نے فتح کیا. خیبر کا واقعہ تو ایک عظیم واقعہ, حضرت عمر گئے, حضرت ابو بکر گئے, دو گئے, سب گئے, سب مار کے آ کے آئے. 40واں دن تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 40 دن میں یہ ستاڑا پورا کروں گا. صبح کی نماز کے بعد پوچھنے لگے علی کو بلاؤ, عرض کی کہ علی کی آنکھیں دکھتی ہیں تو تمبو میں اندھیرا میں بیٹھے ہیں, تو آپ نے زور سے یا علی کر کے بولے, مولا علی بھاگے چلے آئے. نبی پاک نے اپنے منہ سے تھوک نکال کے ان کی آنکھوں میں ملی, اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پہ رکھی, کہا یا علی آپ جاؤ فتح کرو. مولا علی گئے اور انتر تھا اس کا کمانڈر ان چیف, انہوں نے ایک کھائی بنائی ہوئی تھی
वो बहुत गहरी थी। मौला ने घोड़ा दौड़ाया और खाई पार कर गया, घोड़े से उतरे, खैबर का दर के 40 आदमी उसको एक कोना उठा नहीं सकते थे। हमको ये एग्जेजरेशन लगती है, लेकिन हर राइटर ने ये लिखा है, इवन सुन्नियों ने भी। तो मौला ने दो उंगलियां नीचे डाल के उसको जो हिलाया तो वो हिल गया, आपने उठाया वो हिंजिस में से निकल गया। उसको इस जोर से फेंका कि वो आसमान पे जाके गुम हो गया, कहाँ गिरा कुछ पता न लगा। दूसरा दर निकाला और वो खाई के ऊपर रख दिया, लेकिन थोड़ा छोटा था तो अपना पांव उसके नीचे रख दिया और लश्कर को बोला कि आ जाओ, ये सारा इस्लामी लश्कर इसके ऊपर से ऊपर चले गए और खैबर फतह हो गया। तो खुद ये शिबली नौमानी ये लिखता है कि उनको किसी ने पूछा कि याली ये इतनी कुवत कहाँ से आई, फरमाया ये खुदाई कुवत थी। अली जैसा इंसान कभी हुआ नहीं, और सारी जिंदगी अली ने कभी शिकस्त नहीं खाई, कभी नहीं हारे, अली अली थे। लड़ते लड़ते वो इतने एजाइल थे, एक्टिव थे कि पीछे से भी उनको कोई वार नहीं कर सकता था, और मारा तो नमाज में मारा। हाँ, एक दफा एक तीर लग गया, निकलता नहीं था, तो नबी फरमाया ठहरो, जब भी वो नमाज पढ़े ना तभी वो तीर खींच लेना। की जो बात की तो मेरे को याद है तो अली मदीना में थे ना उस वक्त इलाज के लिए आ गए? नहीं, अली साथ आए थे, साथ लश्कर में साथ थे, मगर दूर उन्होंने तंबू में बैठे रहते थे। यहाँ से नाद अली पड़ी गई असल में उहद की लड़ाई में, एक हदीस है बड़ी समझने जैसी है। उहद की लड़ाई खत्म हुई, नबी पाक को थोड़े जख्म लगे, दो दांत शहीद हुए, कुछ चेहरे पे जख्म लगे, तो हजरत जिब्रील जाहिर हुए और मुबारक दी। हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं अली से हूँ, अली मेरे से है। तो उसने जवाब दिया कि या नबी, मैं आप दोनों से हूँ। और जिब्रील तमाम फरिश्तों के सरदार है और उनका दर्जा रसूल जितना है, और उनको भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आप दोनों में से हूँ, और समझने की चीज़ है। दुनिया के अंदर में अभी प्रेजेंटली मुसलमानों की जो हालत है और इस्लाम के ऊपर में जो जुल्म हो रहा है वो हमारे वजह से हो रहा है या मुस्लिमों के वजह से हो रहा है जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एंड आना है और उसके लिए लीडर की जरूरत है। इमाम की जरूरत के जो कुछ बातें हमने पहले सुनी थी और मौला कुछ के लिए तैयार भी थे, लेकिन कुछ हालात के वजह से, कुछ मुरीदों के वजह से वो चीज जो है वो चल रही है और उस तरफ में मुरीदों की वजह से नहीं। मुरीद को तो माँ बाप आज के कहे के तुम जमात खाने में ढोल बजाओ तो हम ढोल बजाएंगे, मुरीदों की वजह से नहीं, क्योंकि मुरीद तो हुक्म के ताबेदार है। लेकिन मुसलमानों में बाज ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन आखिर तो ये इसके नाना की उम्मत है, मौला इनकी मदद करेगा और एक जमाना आएगा इंशाल्लाह ये लोग मौला को नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम सीखते हैं, हमें हमारा इस्लाम हमारा भी मजहब हमारे ही है, इस्माइली मजहब ही हमारा असल मजहब असल जो हम है वो मौला के साथ है, लेकिन मुस्लिम उम्मा के साथ में आपको चलना है तो सब चीज को समझना और सीखना तो जरूर पड़ेगा। हाँ हम लोग सीख रहे हैं, कुरान सीखते हैं, क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी कहा हम जितनी नमाजें पढ़ते हैं मुसलमान नहीं पढ़ते, वो तो वाज़े है, जितनी सलात हम पढ़ते हैं उतनी सलात वो कभी पढ़ते ही नहीं। पांच वक्त की नमाजों में कितनी रकातें हैं? 17। हम 18 रकातें पढ़ते हैं, तीन वक्त की दुआ, उनकी पांच नमाजों में 17 रकातें हैं, हम 18 रकातें पढ़ते हैं। खुदा ने कुरान में नहीं कहा कि ये नमाज पढ़ो, और ये भी कह दूं कि लफ्ज नमाज कुरानिक नहीं है। ईरान के जो पारसी लोग थे उनका ये लफ्ज है नमाज, जो मुसलमानों ने ले लिया। नमाज प्रेयर को कहते हैं, दुआ को, कुरान ने इसका नाम सलात रखा है, और सलात का मतलब खुदा से मांगना, इसी को हम दुआ कहते हैं। अल्लाह ने यह नहीं कहा कहीं भी कि तुम नमाज में ये पढ़ो, नबी ने नमाज सिखाई, और रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सी किस्म की नमाजें हैं, तो हमारी जो नमाज है वो इमाम के हुक्म से है। रसूल के बाद जो इमाम है वो साहिब तावील है, नबी साहिब तंजील है, नबी के ऊपर वही नाजिल हुई, अब इस वही को समझाने के लिए इमाम की जरूरत है, हम कहते हैं साहिब तावील। सारे कुरान के अंदर खुदा ने ऐसा कहीं भी खसूसी तौर पे नहीं कहा कि तुम पांच नमाजें पढ़ो, वक्त दिया है कि दिन के दो किनारे जो हैं सुबह और शाम, और रात को एक पहर हो जाए तो तुम सलात पढ़ो, बंदगी करो। इसी तरह से खुदा ताला ने ऐसा फरमाया है, मगर जिस तरह से नमाज फर्ज है, जकात फर्ज है, इस तरह से दूसरी चीजें फर्ज में नहीं, उसमें ऑप्शन है, नमाज में ऑप्शन नहीं। मिसाल के तौर पे सारी कुरान में चार आयतें हैं कि जिसके अंदर खुदा ने रोजों की बात की है, लेकिन रोजों के अंदर ऑप्शन है, बीमार के लिए, मुसाफिर के लिए, कमजोर आदमी के लिए रोजों में ऑप्शन है, नहीं रख सकते किसी एक फकीर को खिला दो। नमाज में ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ सकते तो चलो तुम फकीर को खिला दो। तो इबादत का जो दर्जा है उसमें ज़कात और नमाज सबसे ऊंचे है। जिस तरह खुदा ने ऐसा कह दिया कि सुबह शाम रात को तुम सलात पढ़ो, इस तरह और कोई हुक्म नहीं किया। हाँ ऐसा फरमाया कि दोपहर का वक्त हो गए तो तुम खुदा ताला उसकी तारीफ करो, सब्बे सुभान अल्लाह कहो, मगर ये नमाज नहीं है।
या यूं फरमाया कि सह पैर हो जाए तो तुम खुदा की हमद करो अल्हम्दुलिल्लाह, ये नमाज नहीं है, ये ऑप्शन की चीजें अलग हैं। तो अगर दोपहर को कोई आदमी सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह की तस्वीर निकाले तो वो कुरान शरीफ के साथ मिलती है। 4-5 बजे मगरिब से पहले एक तस्वीर निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें नमाज में नहीं आती, खुदा के जिक्र में आती हैं। और जिक्र अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। खुदा ने कहा है इसकी जरा वॉल्यूम कम करो, वो पंखे की आवाज आती है। खुदा ने फरमाया है कि जिक्र अल्लाह कसीरा, खुदा का बहुत जिक्र करो। बुकरतम व असीला, सुबह भी करो शाम को भी करो। एक जगह खुदा कहता है कि तुम खुदा को जिक्र करो, याद करो। जिक्र का मतलब क्या है? किसी को याद करना। तो खुदा कहता है तुम अल्लाह को याद करो तो अल्लाह तुमको याद करता। फौज करो नहीं अजकर को व शुक्र नहीं, खुदा को याद करो उसका शुक्राना अदा करो तो खुदा तुमको याद करता है। तो ये जो सुभानअल्लाह दोपहर को, अल्हम्दुलिल्लाह शाम के वक्त है, ये खुदा का जिक्र है, नमाज नहीं। इस चीज को ये लोगों ने 5 नमाजें बना दी। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को याद होवे, गुलाम कादर जिलानी एक प्रोफेसर था कैम्बलपुर में, उसने 8 किताबें लिखी। उसकी मशहूर किताब एक है दो इस्लाम, एक किताब है उसका नाम है दो कुरान, एक तीसरी किताब है उसका नाम है एक इस्लाम। वो आदमी इस्माइली ख्यालात का है, उसने ये चीज जिक्र किया है कि नमाजें 3 हैं, 5 नमाजें किधर से हैं। तो मुल्लाओं ने उसको काफर का फतवा लगा दिया। पाकिस्तान में उसकी किताबें बैन है, इंडिया में मिलती हैं। अभी ये जो कुरान के ऊपर चलाना, ये इमाम का काम है। कुरान में कहीं ऐसा नहीं है कि तुम 2.5% ज़कात दो। उसने कहा कि तुम ज़कात दो, शरीयत के अंदर 2.5% इन्होंने लगा दिए, लेकिन उश्र और खुम्स भूल गए जो हम देते हैं। हम 2.5% ये देते हैं ज़कात के और 10% उश्र देते हैं। मुसलमान नहीं देते, वो तो ज़कात भी नहीं देते, सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, नमाज पढ़ो। फिर सब तरह के बुरे काम करते हैं, नमाज पढ़ के आएगा और झूठ बोलेगा और फरेब करेगा। अंदर कोई नहीं, जमा करने के बाद छूट के घूमने के लिए नहीं, अंदर कोई नहीं हुए। दो आदमी 3 आदमी इतनी खूबसूरत मस्जिदें बना के रखी। लेकिन बात है अभी के जमाने के हिसाब से 5 नमाज पढ़ना भी तो कोई आसान नहीं। अपने बार बार जॉब की छुट्टी लेके जाएंगे नमाज पढ़ना, फिर भी तो वक्त के साथ शिया ट्रेडिशन में एक उसका रास्ता है, सुनियो में नहीं, शिया में है जमा बैन अल सलातैन, 2 नमाजों को इकट्ठा करना। एक एडवांस में पढ़ लो या एक लेट पढ़ लो। मिसाल के तौर पे सुबह की नमाज है, उसमें नियत करो कि मैं मगरिब की क्या दोपहर की नमाज एडवांस में पढ़ लेता हूँ, तो शिया मजहब के अंदर ये जायज़ है। और या फिर ऐसा है कि मगरिब के वक्त वो 2 नमाज की नियत करे, एक असर की एक मगरिब की। सुनियो मैंने, शिया में ये जवाब है। लेकिन हम तो सबसे अच्छे हैं ना, 3 वक्त की दुआ पढ़ नहीं, और उसमें 18 रकात हैं, 1 रकात उनसे ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग। मैं 1960 में मौला के हुक्म से साउथ अफ्रीका गया। साउथ अफ्रीका के अंदर टंगनिका का पासपोर्ट कबूल नहीं था, तो मैंने अरेस्ट की, तो माँ बाप ने काउंसिल को कहा इसका बंदोबस्त करो।
بندوبست ہو گیا اور مجھ کو انہوں نے رضا دے دی, اجازت ویزا نہیں دیا کیونکہ اگینسٹ لا تھا ان کے, مگر اجازت اس طرح کہ میرا پاسپورٹ انہوں نے رکھ لیا. میں ساؤتھ افریقہ گیا, میں تقریباً ایک مہینہ ٹھہرا پیپروں میں, اور مجھے وی آئی پی ویزا ٹریٹمنٹ انہوں نے دی. پیپروں میں اور ریڈیو کے اندر میرا وزٹ ظاہر کیا گیا تو کچھ مسلمانوں کے نوجوان مجھے ملنے آئے, کہنے لگے کہ ہم کو آپ کا لیکچر چاہیے. میں نے کہا جاؤ کاؤنسل میں جاؤ. تو کاؤنسل والوں نے مجھے پوچھا, میں نے کہا ہاں کرو. مجھے بولے گڑبڑ ہو جائے گی. میں بولا کیا گڑبڑ ہو جائے گی, یہ لوگ سوال کریں گے. میں بولا اس کے لیے تو آیا ہوں. چلو قبول کیا گیا. انہوں نے پمفلٹ چھپایا, ریڈیو میں دیا, یا علی. اس کے پہلے جمعہ آیا تو میں نے مکھی کمڑیا پریسیڈنٹ کو کہا, میں بولا چلو جمعہ پڑھنے چلے. مجھے بولے جمعہ پڑھنے جائیے, کیوں آتا نہیں ہم کو کچھ بھی. میں بولا نکل کرنا دیکھنا. ابھی وہاں سنی لوگ موسٹلی سنی ہیں, ہم کو ایسی خراب نظر سے دیکھنے اس وقت کہ خدا نہ خواستہ کوئی اسماعیلی گزر جائے تو سنیوں کی جو ہرس ہے جس میں مردے کو لے جاتے ہیں, وہ پہلے تو دیتے نہیں تھے لیکن چلو کبھی دیتے ہیں تو سنی قبرستان میں اسماعیلی کو دفن نہیں ہونے دیتے. اور جب ہی اسماعیلی کا مردہ چلا آتا ہے تو وہ لوگ اس خالی ہرس کو اندر باہر اچھی طرح سے دھوتے ہیں کہ کوئی اسماعیلی جم باقی تو نہیں رہ گیا. ایسی نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے. مولا نے مجھے وہاں بھیجا رابعہ زادہ ہال میں. ہاں ہم مسجد میں گئے, ایسی خوبصورت مسجد, ایک ملین رینڈ, رینڈ یعنی 10 شلنگ, پاؤنڈ میں 2 رینڈ, تو ہاف ملین پاؤنڈ کی یہ مسجد دیکھ کے میں دنگ رہ گیا. جب ہم نماز پڑھی جمعے کی, دوپہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک مولوی ہے, 4 ہم ہیں اور باقی 7 آدمی, یعنی ہم ٹوٹل 12 آدمی تھے, اس میں 4 تو اسماعیلی تھے. رابعہ زادہ ہال میں انہوں نے میٹنگ رکھی, 7 مولوی جو بیسٹ مولوی تھے ان کے, وہ سب آئے تھے اس دن. اور آغا خان کا مشنری, اسماعیلی مشنری آیا ہے, اس کے لیے لوگ بہت آئے. 2200 آدمی اکٹھے ہوئے, ہال پورا نہ ہوا, کھڑے تھے لوگ. میرا سبجیکٹ تھا برادرہڈ ان اسلام, انگلش میں لیکچر تھا. چلو قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ ہوئی, میں نے لیکچر شروع کیا. اور یہ جو ہماری آیت ہے اس کی کورونیشن کے ٹائم کی, وات سے مو بحبل اللہ جمعیم ولا تفرقو, یہ آیت پڑھ کے میں نے کہ اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی, تم ایک ہو جاؤ اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑو. یہ آیت پڑھ کے میں نے اپنا لیکچر شروع کیا. 1 گھنٹہ تک لیکچر رہا, پن ڈراپ سائلنس. میں نے اس میں کچھ بھی شیعہ سنی یہ طریقہ کچھ بھی ذکر نہیں کیا, قرآن اور اسلام کی یونٹی. بس میں بیٹھا تو مولوی نے مجھے جو چیئر پہ تھا مجھے پوچھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ جواب دیں گے. میں بڑا خوشی سے, ایک لڑکا کھڑا ہوا ادھر بیٹھا رکھا تو نیچے, ایک جوان آدمی کھڑا ہوا اور پہلا ہی کوسچن, آپ آغا خان کو خدا مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تیرے کو کس نے کہا؟ البتہ ہم اس کو خدا جتنا پیار کرتے ہیں. بات ایک ہی ہوگی نا. میں نے ان کو کہا کہ رسول اکرم کا ایک دوست تھا ابو ذر غفاری,
نبی کو بہت چاہتا تھا. اس نے اپنا سارا گھر بار بچوں کو دے دیا, کھیتی بیتی کا سامان سب کچھ, فقیر بن کے نبی کی خدمت میں ہمیشہ رہتا تھا اور بڑا جذباتی ایموشنل ٹائپ کا آدمی تھا. میں ان کو یہ قصہ سنا رہا ہوں حدیث کا. ایک دن نبی اکیلے تھے, ابو ذر غفاری نبی کے نزدیک آ کے کہنے لگا, یا نبی کچھ بات کرو. نبی کے ہاتھ میں تسبیح تھی, یوں ہی آنکھیں نیچی تھیں. جب اس نے کہا کہ یا نبی کچھ کہو, حضور فرمایا, ہے ابو ذر تو مجھے کتنا پیار کرتا ہے. کہنے لگا, یا نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. فرمایا, اے ابو ذر ابھی تک تیرا ایمان کمزور ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی. کہنے لگا, یا نبی ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں. نبی اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے کہنے لگے, ابھی بھی ایمان کم ہے, مکمل نہیں ہوا. ابو ذر بہت پریشان ہوا, جذباتی آدمی تھا, جوش میں آ گیا. نبی بیٹھے تھے, گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے, اللہ کی قسم یا نبی میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا میں اللہ کو چاہتا ہوں. نبی آنکھ اٹھا کے کہتے ہیں, ماشاء اللہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا. میں نے کہا, خدا کی قسم ہم آغا خان کو اتنا چاہتے ہیں اپنے امام کو جتنا خدا کو چاہتے ہیں. بیٹھ گئے چپ, سب مولوی بیٹھے تھے, سناٹا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. ایک اور آدمی کھڑا ہوا, یہ کتاب آپ کی دعا ہے؟ دعا کی کتاب لے آیا کہیں سے؟ میں نے کہا, ہاں ہماری دعا ہے, ہماری نماز. اس کے اندر آپ لذکر ہی سجود بولتے ہو, یعنی آپ اپنے امام کو سجدہ کرتے ہو. میں نے کہا, بیٹا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 22 برس کی. میں نے پوچھا, نماز جانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. تو تیرے کو حق ہے ہمیں پوچھنے کے لیے نماز کا؟ بیٹھ جا. بیٹھ گیا. ابھی میرا اس کہنے سے بہت اثر ہوا. لوگوں کو ایسا ہوا کبھی میرے کو بھی اسی طرح سے کوسا جائے گا تو. میں نے کہا, دیکھو یہ ہماری نماز ہے, یہ عالم بیٹھے ہیں, ان کو پوچھو کہ خدا کے سوا کسی کو سجدے کا حکم نہیں ہے. سچ ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں, ہاں. میں دوبارہ پکا کر لوں, خدا کے سوا کسی کو سجدہ کا حکم نہیں. سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ بات سچ ہے. تو کیا دو خدا ہو گئے, اس کو بھی سجدہ, اس کو بھی سجدہ, اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان بن گیا؟ خدا تو ایک ہی ہے, لیکن اس کا نور چونکہ اس کے اندر تھا تو یہ سجدہ نور کو تھا کہ اس کے بدن کو تھا؟ کچھ لوگ آہا واہ واہ کرنے لگے. یہ سجدہ اس کے نور کو تھا, وہ نور خدا کا نور تھا. تو آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا, وہ نور کو تھا. ہم آغا خان کے بدن کو نہیں مانتے, ہم اسی نور کو مانتے ہیں کہ جو وعدہ لا شریک لا ہے. مجھے بہت افسوس ہے, اس وقت یہاں 2200
2000 سے زیادہ مسلمان ہم بیٹھے ہیں, سارے شہر کے اندر 16,000 مسلمان ہیں. پرسوں جمعے کی نماز کے لیے ہم لوگ نماز پڑھنے گئے تو اس کے اندر 4 تو ہم تھے, 1 پیش امام تھے, تو باقی 7 آدمی سارے شہر میں سے 16,000 میں سے 7 آدمی نماز پڑھنے کے لیے ہے تمہارے پاس.